Everyone, today we are going to discuss about the microbes in human welfare of class 12, chapter number 10, biology. So now we continue from these subheadings that are: besides microbes, plants and animals, microbes are the major components of biological system on the earth. इसका मतलब ये है कि हर एक चीज़ होने के बाद, जो animals और plants के होने के बाद भी, microbes जो होते हैं major component होते हैं biological system के on the earth पे. जैसे कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि हमने पढ़ा kingdoms के बारे में, पढ़ा living organisms के, पढ़ा जितने भी living organisms होते हैं उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. तो अब हम अपनी डेली लाइफ में और अपने आसपास के जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है उसके बारे में पढ़ते हैं. आगे हम पढ़ेंगे विच आर दी वंस डैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक होते हैं. माइक्रोस्कोप होते क्या है? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, इन सॉइल, वाटर, एयर, इन साइड आवर बॉडीज, डेट आर ऑफ दी अदर एनिमल्स इन दी प्लांट्स. दे आर प्रेजेंट इवन एट दी स्टेक्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स could possibly exit, and sites as the deep inside the glaciers, thermal vents where the temperature may be high at 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layer of the snow several meters thick, and the highly acidic environments में ये सब पाए जाते हैं. microbes जो होते हैं like protozoa हो गया, bacteria हो गया, fungi हो गया, microbes हो गया, plants हो गए, virus हो गया, viroids हो गए, and also prions. ये सारे microbes की category में लाइक करते हैं. आगे हम बात करते हैं जैसे कि माइक्रोब्स जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी हो गए, ये कहाँ ग्रो करेंगे? न्यूट्रिएटिव मीडियम में ग्रो करेंगे और एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं, ठीक है, डैट कैन बी सीन इन दी नेक्ड आई, जिसको हम देख सकते हैं. और इस तरह के कल्चर जो होते हैं हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़ में हेल्प करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, तो इसमें आप माइक्रोब्स के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए. दीज आर स्ट्रक्चर्स आर वेरी special, very important for the your exams. Now come to the next point. In the chapter 8 you have read that microbes cause a large number of disease in the human beings. जो microbes होते हैं वो बहुत ज़्यादा disease cause करने के लिए responsible होते हैं, और ये इनके जो disease होते हैं in the animals and plants में होते हैं. But this should not make you think that all the microbes are harmful. पर सभी के सभी microbes जो होते हैं harmful नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी होते हैं. सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल होते हैं, जैसे कि हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे. अब हम माइक्रोब्स का अपना हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या यूज़ होता है, उनका क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ते हैं. यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और द प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम देम एवरी डे. हम जानते हैं या आपको पता ही होगा कि माइक्रोब्स के हम डेली यूज़ करते हैं, उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं. कॉमन एग्जाम्पल अगर ले लो तो बैसिलस जो होते हैं, यानी कि कर्ड का फॉर्मेशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करती हैं. अब आगे हम उनके बारे में पढ़ते हैं जिससे कि हमें थोड़ी और डिटेल मिल जाए. तो देखो आगे हम पढ़ते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कि कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी माइक्रोब्स होते हैं. कर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, जो लैक्टो एसिड बैसिलस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क के अंदर, एंड वो अपने आप को कोएगुलेट कर लेते हैं. कोएगुलेट करके उसे एसिड बनाते हैं, एंड एसिड बना के वो पार्शली मिल्क को पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं. पार्शली डाइजेस्ट करने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो होता है ऐड किया जाता है फ्रेशली मिल्क एज इनोक्यूलम के फॉर्म में और स्टार्टर के फॉर्म में, जिसकी वजह से मिल्क पूरा जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टो बैसिलस जो बैक्टीरिया जो होता है वो अपनी एक कॉलोनी फॉर्म कर लेता है, विच मल्टीप्लाई करके विच एट सुइटेबल टेम्परेचर उनको मिल जाने पर ऐसा वो काम करता है. अब आगे हम बात करते हैं लैक्टो एसिड बैसिलस जो होते हैं एक बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इन चेकिंग द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स में, कि हमें कौन सी डिजीज़ हुई है वो कौन सी माइक्रोब की वजह से हुई है, इस चीज़ का पता लगाने में भी लैक्टो एसिड बैसिलस हमारी मदद करता है. जैसे डो हो गया, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली एंड ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया. इसको कौन फर्मेंट करता है, डो को बैक्टीरिया फर्मेंट करता है. कैसे करता है, जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है डो का वो क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. अब जब ऐसा होता है
ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो बैक्टीरिया होता है फर्मेंटेशन में वो आए हैं आ जाते हैं, एंड सिमिलरली जो डो होता है इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, जो डो में कौन सा ईस्ट यूज़ होता है तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो डो में कौन सा ईस्ट यूज़ होता है, इनफैक्ट पूछा भी जाता है, तो डो में पाया जाने वाला जो हमारे पास माइक्रोब है वो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड द फूड आर ऑल्सो मेड बाई दी फर्मेंटेशन बाई दी माइक्रोब्स के बनाए जाते हैं, जैसे टॉडी हो गया, टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया इन द इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द प्लम पाम्स। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच द माइक्रोब्स वर यूज एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द चीज आर नोन बाई दियर कैरेक्टरिस्टिक टाइप फ्लेवर एंड टेस्ट स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज एंड द एग्जाम्पल्स द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ। अब ये स्विस चीज के अंदर जो लार्ज बड़ा सा होल हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया काम करता है, बैक्टीरिया कौन सा काम करता है, प्रोप्यूनोबैक्टीरियम सरमानी स्विस चीज में काम करता है, जिसकी वजह से स्विस चीज में बड़ा सा होल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन की वजह से स्विस चीज में बड़ा सा होल हो जाता है। द रॉक्यूफोर्ट चीज आर राइपेंड बाय द ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगी ऑन दैम विच गिव दैम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। थैंक यू।